एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन डेकोर DIYs। यहाँ पे मैंने दो DIYs बनाए हैं, तो चलो चलते हैं हमारी फर्स्ट DIY की तरफ। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, उसको कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और उसे स्ट्रॉन्ग और थिक बनाने के लिए मैंने उसके पीछे एक और कार्डबोर्ड चिपका दिया है। अब मैं उसे टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर कर दूंगी ताकि उसके एजेस भी कवर हो जाए और उसको एक टेक्सचर भी आ जाए। तो इसे हम ड्राई करने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर पेंट करेंगे। तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, अब बारी है इसे पेंट करने की। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस का। तो यहाँ पे हमारा कलर कंप्लीट हो चुका है, पर इसे बीच बीच में मैंने लाइट शेड देने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ किया है। व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब इसके बॉर्डर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके स्पॉन्ज की मदद से यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक कोट लिखेंगे। तो उसे लिखने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर यूज़ किया है और मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे लिख रही हूँ। आप चाहे तो पहले पेंसिल के हेल्प से लिख के उसके ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है माय किचन माय रूल्स। आप कोई भी कोट लिख सकते हो। ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसे रख देते हैं साइड में और आते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। तो सेकंड DIY बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर का जो पेपर रहता है मैंने उसे निकाल दिया है और इसे भी स्ट्रांग और थिक बनाने के लिए मैंने उसके पीछे एक और कार्डबोर्ड चिपका दिया है। और इसे भी मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से कवर कर दिया है। अब यहाँ पे पहले मैं व्हाइट कलर का एक कोट दूंगी।
कट करके दो स्पून बना लिए हैं। मैंने उन्हें टिश्यू पेपर के हेल्प से कवर कर दिया है और अब ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ। उसकी बॉर्डर पे एक शेड देने के लिए मैंने ऑरेंज कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर लिया है और उससे ब्रश की हेल्प से मैं पेंट कर रही हूँ। अब जो हमने स्पून बनाए थे वो अब पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे उन्हें फेविकॉल के हेल्प से चिपका देंगे। मैंने यहाँ पे फेविकॉल यूज़ किया, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने यहाँ पे मार्कर से लिख के लिया था, उसके ऊपर मैं ब्रश से ट्रेस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इसकी डिज़ाइन कुछ ऊपर नीचे थी तो जिसकी वजह से मुझे पेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इतना बराबर से लिखा नहीं गया था। तो उसके बाद मैंने फिर से मार्कर यूज़ किया है उसको सीधा करने के लिए, तो मार्कर से मैंने उसको सीधा कर दिया था। मुझे इसे हैंग करना था तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे होल बना लिया है। अब मैं यहाँ पे जूट रोप यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी रस्सी आपके पास होगी आप यूज़ कर सकते हो। मैं किचन से रिलेटेड और भी डीआईवाईज लेके आने वाली हूँ और साथ में किचन मेकओवर भी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। तो लास्ट में मैं यहाँ पे वार्निश अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा कलर लॉन्ग लास्टिंग रहे।